हे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है और फाइनली अर्थ पर लैंड कर जाता है। इसके बाद उस स्पेसशिप का गेट खुलता है और उसमें से एक टेकेडॉन रोबोट बाहर आ जाता है। इसके बाद हम केविन और ग्वेन को देखते हैं जो गोल्फ खेल रहे होते हैं और बेन अपनी अल्टीमेटिक्स को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और बेन से बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है गोल्फ खेलने की। इसके बाद बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रेनस्टॉर्म अपनी स्मार्टनेस से गोल्फ बॉल को होल में डालने के लिए कैलकुलेशन करने लगता है और एक ही शॉट में उस गोल्फ बॉल को इम्पॉसिबल होल में डाल देता है। तभी जूली कहती है कि ये तो सरासर बेईमानी है और तभी वहाँ पर वो टेकेडॉन रोबोट आ जाता है। फिर बेन गूप में ट्रांसफॉर्म होकर उस टेकेडॉन रोबोट पर अटैक करता है, लेकिन वो रोबोट गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर पर शूट करता है जिसकी वजह से गूप नीचे गिर जाता है। इसके बाद केविन उस टेकेडॉन रोबोट पर अटैक करता है, लेकिन वो रोबोट केविन को फेंक देता है। तभी ग्वेन भी उस रोबोट पर मैना अटैक करती है, लेकिन वो रोबोट ग्वेन पर वापस से अटैक नहीं करता। तभी केविन ग्वेन से बोलता है कि ये टेकेडॉन रोबोट सर बेन के पीछे पड़ा है। इसके बाद बेन उस रोबोट पर वापस से अटैक करने जाता है, लेकिन वो रोबोट बेन पर लेजर शूट करने लगता है और बेन को पंच मारने वाला ही होता है। तभी ग्वेन बेन को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि केविन एक टावर को एब्जॉर्ब कर उसे टेकेडॉन रोबोट पर फेंकता है, जिससे वो टेकेडॉन रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन उस टेकेडॉन रोबोट के कंट्रोल बॉक्स को अपनी कार में रखता है और उनसे कहता है कि मैं इसका डाटा रिकवर करके पता लगाता हूँ कि इसे बेन के पीछे किसने भेजा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूली बेन से कहती है कि इस एरिया में सिर्फ दो ही गोल्फ क्लब है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम अगला मैच कब खेल रहे हो। फिर बेन बोलता है कि अभी मुझे इस टेकेडॉन रोबोट पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए ग्वेन जूली को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम बेन और ग्वेन को देखते हैं और ग्वेन बेन से बोलती है कि जूली तुमसे नाराज है क्योंकि तुम अपने एलियंस की पावर से आसानी से जीत जाते हो। फिर बातों ही बातों में ग्वेन बेन से कहती है कि तुम्हारे पास एक सुपर कार है और केविन के पास भी एक सुपर कार है, लेकिन मेरे पास कोई भी कार नहीं है। फिर बेन बोलता है कि कभी कभी तुम मेरी सुपर कार चला सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केविन आ जाता है और उनसे कहता है कि वो कोई मामूली टेकेडॉन रोबोट नहीं था, बल्कि स्पेशल ऑर्डर पर बना हुआ स्पेशल टेकेडॉन रोबोट था जिसे बेन को मारने के लिए भेजा गया था। फिर बेन बोलता है कि मैं किसी टेकेडॉन रोबोट से नहीं डरता। तभी केविन बेन से कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि ये रोबोट तब तक आएंगे जब तक तुम मारे ना जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और टेकेडॉन रोबोट आ जाता है। फिर बेन रेथ में ट्रांसफॉर्म होता है और उस रोबोट को डायलॉग्स मारने लगता है और उससे बोलता है कि रेथ तुमसे बहुत बड़ा है, भले ही तुम बॉडी साइज में काफ़ी बड़े दिखते हो। इतने में वो रोबोट रेथ पर लेजर शूट करता है जिससे वो दूर गिर जाता है। इसके बाद बेन भी उस टेकेडॉन रोबोट पर अपना सर मारता है, लेकिन वो रोबोट रेथ को धक्का मारकर दूर कर देता है और रेथ पर लेजर शूट करने लगता है, लेकिन बेन एक कार से उस लेजर अटैक को रोकता है। फिर वो रोबोट एक जोरदार लेजर शूट करता है जिससे मिस्टर स्मूदी शॉप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देखकर रैथ को गुस्सा आ जाता है और रैथ उस टेकेडॉन रोबोट को उठा उठा कर पटकने लगता है और लास्ट में रैथ उस टेकेडॉन रोबोट का हाथ उखाड़ देता है और उसी हाथ से उस रोबोट को मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद बेन केविन से पूछता है कि क्या तुम पता नहीं कर पाए कि इन रोबोट्स को कौन भेज रहा है। तभी केविन बोलता है कि इन्हें स्पेशल ऑर्डर पर बनाया गया है। इसके बाद ग्वेन कहती है कि अगर हमें इन रोबोट्स के बारे में जानना है तो हमें वेपन मास्टर से पूछना चाहिए। इतना कहकर ग्वेन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम बेन और केविन को देखते हैं जिन्हें वो स्पेसशिप मिल जाती है और बेन बिक्चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उस शिप में जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जा पाता और केविन भी उस स्पेसशिप को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तभी उस स्पेसशिप से कुछ बॉल्स निकलती है जो उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगती है। इसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं जो वल्केने से कहती है कि तुम ही बेन के एक ऐसे दुश्मन हो जो उन टेकेडॉन रोबोट्स को अफोर्ड कर सकते हो, और ग्वेन वल्केनस से उन सभी रोबोट्स को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वल्केनस मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आरजीट भी होता है और वो वल्केनस से बोलता है कि अगर मैं बेन को मारने के लिए इतने महंगे रोबोट्स बनाता तो मैं उन दोनों की फाइट को अपनी आंखों से जरूर देखता। ये सुनकर वल्केनस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब ग्वेन का प्लान था और ग्वेन इन सब के लिए आरजीट को डायमंड्स देती है। अगले सीन में हम बेन और केविन को देखते हैं जिन पर वो बॉल्स अटैक करती है। फिर केविन एक रोड लाइट से उन सभी बॉल्स को एक ही शॉट में फेंक देता है। इसके बाद उस स्पेसशिप से एक और टेकेडॉन रोबोट निकलता है और केविन पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है और इसी के साथ साथ बेन पर भी अटैक कर उसे दूर गिरा देता है।
इसके बाद बेन अल्टीमेट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उस टेकेडॉन रोबोट को एक सेफ जगह पर ले जाता है और उस टेकेडॉन रोबोट को रोकने के लिए एको एको में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो रोबोट एको एको के क्लोन्स पर लेजर शूट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बेन और उस टेकेडॉन रोबोट की फाइट देखने के लिए वल्केनस भी वहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है और केविन को बताती है कि इन टेकेडॉन रोबोट्स को वल्केनस ने भेजा है। इसके बाद ग्वेन और केविन बेन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो रोबोट उन पर मिसाइल शूट करता है, बट ग्वेन अपनी मैना शील्ड से केविन को बचा लेती है। इसके बाद बेन अल्टीमेट एको एको में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी सोनिक प्लेट से उन रोबोट पर अटैक करता है, लेकिन वो रोबोट उन सभी प्लेट्स को तोड़ देता है। फिर बेन बोलता है कि ये सभी रोबोट्स मुझे अल्टीमेटिस की वजह से पहचान रहे हैं। इतना कहकर बेन अपनी अल्टीमेटिस को अपनी शर्ट से छुपा लेता है, जिससे वो रोबोट अटैक करना बंद कर देता है। इसके बाद वो सभी वल्केनस के पास जाते हैं और केविन वल्केनस के बैक पर एक आईडी मास्क लगा देता है, जो अल्टीमेटिस के सिंबल में बदल जाता है, जिससे उस टेकेडॉन रोबोट को लगता है कि वल्केनस ही बैन है। इसलिए वो रोबोट वल्केनस पर अटैक कर देता है और वल्केनस वहाँ से भाग जाता है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि बैन बोलता है कि जल्दी चलो, क्योंकि मुझे जूली के साथ एक गोल्फ मैच खेलना है। इतना कहकर बैन ग्वेन को अपनी कार की कीज दे देता है एंड ग्वेन से बोलता है कि अब तुम ड्राइव करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना।